प्रकृति शो शुरू होने वाला है, यू स्टिल नॉट रेडी? अरे हमारे मजनूज भी तो आने वाले हैं, उनके लिए वेट कर रही हूँ। कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, सिर्फ हमें और हमारे अलावा कोई नहीं आ रहा है। रियली? या सो यू मीन दिस शो इज जस्ट अबाउट अस? Yes, MTV Beats, तेरी मेरी बातें एक यूनिक शो है जिसमें जो गेस्ट है वही होस्ट है और जो होस्ट है वही गेस्ट है। दिस इज सो कूल गाइज। मैं हूँ सुकृति और मैं हूँ प्रकृति, आपके गेस्ट और होस्ट फॉर टुडेज एपिसोड। तो चलो बातें शुरू करते हैं, कुछ तेरी कुछ मेरी और MTV Beats, तेरी मेरी बातें। तो स्टार्ट ऑफ मैं करती हूँ तेरी मेरी बातें के पहले सेगमेंट के साथ जिसका नाम है जानकारी। इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिससे आपको हमारे बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिलेगी। लेट्स गो। हाउ डिड म्यूजिक हैपन टू कक्कर सिस्टर्स? हम एक ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक और म्यूजिक ही होता रहता था। मॉम हैज बीन अ म्यूजिक टीचर फॉर सो लॉन्ग। आई थिंक उनकी वजह से हम सब गा सकते हैं, एक्सेप्ट डैड ऑफ कोर्स। डैड आई थिंक आर द ओनली लिसनर इन द होल फैमिली। आप एक दूसरे से कितने अलग हो? आई थिंक सुकृति मुझसे थोड़ी ज्यादा और रिस्पॉन्सिबल है। जैसे प्रकृति ने मुझे थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल बोला तो वैसे ही वो थोड़ी और इरिस्पॉन्सिबल है। ओह माय गॉड। तो हम ऐसे एक्चुअली बहुत डिफरेंट है पर्सनैलिटी वाइज। मोस्टली आई थिंक हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। कॉलेज टाइम पर आपके कितने मजनू थे? कॉलेज टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर स्कूल में ऐसा होता था, देयर यूज्ड टू बी समथिंग लाइक दिस कक्कड़ एरा। व्हेन यू आर यंग यू ऑलवेज हैव अ क्रश ऑन द ओल्डर गाइज इन स्कूल एंड दे यूज्ड टू रियली लाइक सुकू एंड मी। तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि कक्कड़ एरा था, तो आई थिंक तब बहुत सारे मजनू थे। हाउ टू आइडेंटिफाई हु इज सुकृति एंड हु इज प्रकृति? सो आई एम सुकृति एंड शी इज प्रकृति एंड सुकृति इज शॉर्टर। I'm older, but I'm a little shorter. बहुत सारे लोग हमारा एक्चुअली फेस यू नो बारकोड जैसे स्कैन करते हैं एंड ट्विंस के साथ ही कभी मत करो क्योंकि बहुत अनोइंग चीज़ है ये। सो द क्रेजीएस्ट थिंग अ मजनू हैज डन फॉर यू? उस मजनू ने अपनी गाड़ी मेरी बिल्डिंग के नीचे 3 दिन तक सिर्फ रखी है। मैं अपने एक्चुअली घर से बाहर नहीं निकली हूँ बिकॉज दिस कार जस्ट यूज्ड टू बी पार्क्ड। बहुत मजनू वाला बिहेवियर था क्योंकि मुझे हर रोज लेटर्स आते थे, लव लेटर्स घर पे, इतना कि मेरे डैड डर गए। किसी मजनू ने तो बहुत सा एक आई थिंक मेरे साइज का टेडी बेयर और एक बहुत ही बड़ा सा बुके घर पे भेजा था और बहुत लंबा सा नोट लिखा था एंड जिससे था उसका नाम नहीं था। सो आई थिंक ये भी बहुत अजीब सी क्रीपी सी चीज है बट बहुत रोमांटिक है अगर आप वो फ्लावर्स देखते थे। मुझे अभी तक नहीं पता है किसने भेजा था, तो अगर आप ये देख रहे हो और आप सुन रहे हो तो प्लीज अब तो बता दो। MTV Beats, तेरी मेरी बातें पर अब टाइम है एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट का जिसका नाम है फोन हैक। सो MTV Beats ने हम दोनों के फोन हैक कर लिए हैं और अब आपको पता चलने वाले सारे हमारे सीक्रेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। पिक्चर यू टुक व्हाइल शूटिंग फॉर मजनू, शी टुक ओनली आई थिंक 300 पिक्चर्स। सो कौन सी दिखाओ? बहुत सारे ऑप्शंस है। आई थिंक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लुक्स। सो इट्स दिस लुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई रियली लाइक क्योंकि कॉलेज सॉन्ग था तो आई गॉट टू फील you know, fulfill my dream as this cheerleader. तो मैंने थोड़ा बहुत college cheerleader जैसे कपड़े पहनने की कोशिश की है। सुकृति, show your home screen. पूरे दिन में actually you only see your phone screen. It is I do. So I try to put something interesting and motivating. तो अभी के लिए है live life limitless and I think I really like. Actually मेरी life is all about color. It's also what I'm wearing, but it's just really vibrant colors and it says. दिखा क्या इसपे? Manifest your vision. So I think हम दोनों बहुत believe करते हैं manifestations में and थोड़ा बहुत everyone knows. Now everyone knows. Most used emojis. Mine is recently एक heart है जिसके ऊपर fire भी है and then of course fire. I think I'm obsessed with fire ना, ज़्यादा ही fire हो रहा है. Too much fire. एक frog वाला भी है. I love this uncle in this purple suit who's doing that step like this. Then I use this alien one also a lot. उल्टी वाली smile है जो ऊपर ऐसे smile आता है, that I use a lot instead of actually writing पूरा sentence, emojis we work with. Okay. Last text message you sent. मैंने तो सिर्फ location किसी ने भेजी थी and I was like got it. So that's it. And यही की location थी. What's yours? Actually I sent it to a friend and it's a picture of all of this. The next segment on MTV Beats, तेरी मेरी बातें is called Filmy Charades. यहाँ हम दोनों बॉलीवुड की कुछ फेमस मूवीज एक्ट करेंगे विद इन 60 सेकेंड्स. जो सबसे ज्यादा सही गैस करेगा वो ही ये राउंड जीतेगा. ओके, फर्स्ट मूवी हिंदी, 3 words. फर्स्ट वर्ड दिल, 3 words. दिल वाले दुल्हनिया? नो 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 नो. हाँ
Gala Guriyan. Sorry, that film. What's the film? You sang in it. Dil Dhadakne Do. Oh my god. This was the easy one. But you stress me out. 3 words. Hindi. Munna bhai. Got it. That was easy, okay? Okay, cool. 1 word. Aankhe nahi. Andhadhun. Yeah! Do word. Bacha. Abhi to party shuru hui hai. No. Usse pehle, uske baad mein. Divine. But oh my god, what is the name of the movie? Gully Boy. Yeah. Oh my god. Okay. 1 word. Again, Bacha. No. Singing wali film hai, music wali film hai. Bahut purani. Jo, what? Mughal-e-Azam. Oh my god. What are you talking to? Rockstar. Yeah. Yaar, ye kaise bataun? 1 word. Hindi. Pehle. Lift. Ye kya hota hai? One and only. Kaun? One. Humne is film mein background vocals kiye hain kisi ke liye. Boss. Good girl. ये है MTV Beats तेरी मेरी बातें और अब टाइम है एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट का जिसका नाम है तेरी मेरी परीक्षा। इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। सो परीक्षा शुरू करते हैं। Who is Sukriti's favorite singer? Okay, I think it's Arijit Singh. Not bad, yo. One thing Sukriti can eat all day. No, it was let me write. नहीं है क्योंकि मुझे पता है. It has to be sushi. हम सच में twins हैं, you know. Next one. Who is Sukriti's Bollywood crush? कि rockstar की बात अभी हुई है. I have to say it's Ranbir Kapoor. I've given slash हाँ बीच में because I can't decide. So मतलब प्रकृति है correct और नहीं भी. First तो वही है ना. First वही लिखा था तो. What is Sukriti scared of? Now wait, don't answer. Scared of in life or like kuch bhi scared of? It has to be lizards. Guys, आपको शायद मैं बता ही दूँ यहाँ पे better है but ये मैं लिख भी नहीं सकती हूँ मैं इतनी scared हूँ. Scared है. जब सुकू एक lizard को देखती है उसको लगता है कि वो dinosaur को देख रही है. So if I want a free holiday, where would I go? अच्छा मुझे अभी कहाँ सबसे ज़्यादा जाना है ओके सुकू लेकिन मेरे को पता है इतना मेरे को इजी मत कर मेरे लिए मालदीव्स नो मालदीव्स अभी गए हैं अब फ्री हॉलिडे मिलेगी तो यही जाऊँगी पूरा दिन बोलती रहती है I can't wait to go to Maldives again I can't wait to, that's actually it was a trick question guys this is Sukriti doesn't know me this is very sad Sukriti's debut year as a singer 2015 what is Prakriti's favorite ice cream flavor? I know this and I promise I will win this. It has to be tender coconut, guys. Yeah? Good stuff. This to Ash, I'm sure tujhe nahi aata. First thing Prakriti notices in a man. See, you know, change hota rehta hai. Man pe depend karta hai actually. Main 5-6 cheeze likh rahi hu. Ek to eyes. I think smile. No? Eyes? Talent कैसे पता चलेगा first thing? चलो कुछ तो आ गया correct. See I told you she also doesn't know what she sees first in a man. Change ही होता रहता है. But I won basically. Yeah. है ना? This one goes to where's the hamper guys? Give it to Prakriti. Anyway घर आ रहा है तो. And we're almost near the end of the show. This is the final segment of MTV Beats तेरी मेरी बातें. I think ये segment पूरे शो का सबसे sweet and short है क्योंकि हम एक selfie लेने वाले हैं. So let's take a selfie.
So guys, this was me, Sukriti. And this is me, Prakriti, on MTV Beats, Teri Meri Baate. I hope aap logo ko hamari baate sun ke maza aaya ho, aapko hamari baate interesting lagi ho. And also go check out our brand new song, Majnu. Go give it all your love and tell us how you found it. Dekhte rahiye Teri Meri Baate, only on MTV Beats.